नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको कैरी करने होते हैं जब आप इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती देखने आते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको कैरी करने होते हैं जब आप इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती देखने आते हैं। तो सेकेंड हम बात करेंगे अगर किसी पर्पज से आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं जमा है या फिर सरकारी दफ्तर में कहीं जमा है, कॉलेज में जमा है, या फिर टेंथ की मार्कशीट आपकी आई नहीं है, ट्वेल्थ की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल आई नहीं है, तो किस प्रकार आप भारतीय सेना से समय ले सकते हैं कि सर मैं अभी तक मेरी डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है और मेरी डॉक्यूमेंट्स अभी कहीं जमा है तो कुछ दिनों बाद मैं आपको सबमिट कर दूंगा। तो इसके बारे में पूरी तरह आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप इस चीज से आप फायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लाइव इंडियन आर्मी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लाइव इंडियन आर्मी का वीडियो देख लें, पूरी जो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होता है पूरा आपको वहां से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं कौन से जरूरी दस्तावेज होते हैं जो आपको भर्ती के दिन लाने होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट हम उन्हें कहते हैं जो आपकी टेंथ और या फिर ट्वेल्थ की जो मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है, वह डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं ओरिजिनली। सेकेंड हम बात करते हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। रेसिडेंट्स मीन्स आप कहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ का जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर मूल निवास सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं वह आपको कैरी करना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके आना होता है। रिलीजियस सर्टिफिकेट आपको लेके आना होता है। रिलीजियस सर्टिफिकेट जो है आपका तहसीलदार के ऑफिस से या फिर SDM के ऑफिस से आपको ऑथोराइज करके आपको दिया जाता है, वो जो कि वेरीफाइड होता है। फिफ्थ हम बात करते हैं जो आपके स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। जब आपका टेंथ पास करते हो या फिर आप ट्वेल्थ पास करते हो तो उसके साथ मार्कशीट के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज में जाके आप वह सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने हैं, एक आपके स्कूल के द्वारा इशू किया जाएगा और सेकेंड आपके विलेज में जो सरपंच होते हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है, या फिर आप पुलिस से बनवाना चाहते हैं तो आप पुलिस से भी जाके पुलिस ऑफिस में जाके आप बना सकते हैं। सेकेंड हम बात करें अनमेरिड सर्टिफिकेट। अगर आप अनमेरिड है तो आपको ये सर्टिफिकेट्स कैरी करनी होती है जो कि आपकी विलेज सरपंच के द्वारा आपको दी जाती है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स जो कि अगर आपके पिताजी आर्मी में है या फिर आर्मी में शहीद हुए हैं तो वो सारी सर्टिफिकेट्स आपको कैरी करनी होगी। साथ में NCC के ABC सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैरी करने होंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो आपको कैरी करना होता है। अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्रामर है, बिजनेस प्रोफेशन प्रोग्रामर है और 0+ लेवल आपने कंप्लीट किया है और उसके साथ साथ इश्यूड बाय DOEAC सोसाइटी के द्वारा आपको इश्यूड किया गया है तो इसमें आपको काफ़ी सारे मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे बेनिफिट्स होते हैं भारतीय सेना में, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे एक नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कई सारी जो आपकी फोटोज़ हैं, आपको 8 to 9 फोटोज़ कैरी करनी होती है और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनली लेके आनी होती है भर्ती के दिन। और अगर आप नहीं लेके आ पाते तो क्या करना होता है हम आपको बताते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं वह तो आपने देख ही लिया होगा, पर सेकेंड हम बात करते हैं अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते तो क्या प्रोसेस होगा। दोस्तों आपको समय दिया जाता है, आप रिटर्न एग्जाम से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। जब तक भर्ती चल रही होती है आप वहां पे ग्राउंड पे आके भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर सकते हैं, ARO ऑफिस में भी या फिर BRO ऑफिस में भी जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। पर ये रूल तभी काम करता है जब आप अपने कोई जीरोक्स कॉपी आप उन्हें सबमिट करते हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होती है उनकी आपको जीरोक्स कॉपी सबमिट करनी होती है। अगर वह मैच होती है तो ही आपका वेरीफाइड किया जाता है, मींस आपको उनकी जीरोक्स कॉपी देनी ही होगी। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जीरोक्स कॉपी दे के भी काम कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पर आपको कुछ दिनों बाद आपकी सारी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है आपको जमा करनी होगी। दोस्तों ये था कुछ इसके पीछे प्रोसेस, क्योंकि आप सभी को समझ में आ गया होगा आपके रिटर्न एग्जाम से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे तो ही जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो पाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।